So hello guys, I'm Omi. This is my baby classic 350. And yes, welcome back to Omi's time travel. आज मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ. A story of those people who are staying at Vidyavihar Pipeline Road. वो लोग जो बरसों से वहाँ पे रहते आए हुए हैं. मैं बचपन से वो लोगों को वहाँ पे रहते आया और देख रहा हूँ. और अचानक से उनके घर तोड़ दिए गए. तो मैं पूरी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ उनके बारे में. जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो लोग एक वोट बैंक थे. वो कोई 5-10 लोग नहीं है, वो 5-10 हज़ार लोग हैं. तो वो लोग एक वोट बैंक थे फॉर कांग्रेस गवर्नमेंट. इसलिए जब भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब वो लोगों का विकास होता गया, वहाँ पे अच्छे सड़कें बनाई गई. लेकिन बीजेपी सरकार आ गई. बीजेपी सरकार आने के बाद उन लोगों को माहुल गांव में रहने के लिए एक बस्ती दी गई, एक घर अच्छा दिया गया. लेकिन उनकी इमोशंस यहाँ पे जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने एक नारा आंदोलन खोल दिया है. माहुल गांव नहीं जाएंगे, मर जाएंगे या मिट जाएंगे, माहुल गांव नहीं जाएंगे. वो जो लोग वहाँ पे रहते आए हैं वो तांसा पाइपलाइन ब्रिटिश के टाइम से बनाई गई है. अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, नो वन हैज़ अ राइट टू मेक ए रेसिडेंशियल एरिया ऑन ए पाइपलाइन और नियर सम डिस्टेंस ऑफ ए पाइपलाइन. अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है, तो वो उनके घर जो 20 साल से वो रहते आए हैं वो अब इलीगल बन गए हैं. वो अब नहीं, वो पहले से इलीगल थे. तो आज मैं आप लोगों को वहाँ पे लेके जाऊँगा. उनको नोटिस दिया गया था 2 साल पहले कि उनकी बस्ती तोड़ दी जाएंगी. उन्होंने उस पर स्टे लगाया फ्रॉम हाई कोर्ट. फिर उसके बाद अब थोड़ी सी एक्शन हुई 3-4 महीने पहले, आधा तोड़ दिया गया, फिर से उन्होंने स्टे लगाया, फिर से अचानक से पूरी की पूरी बस्ती तोड़ दी. ये लोगों ने क्या किया है, जो माहुल में उनको घर दिया गया है वो तो उन्होंने ले लिया और वो घर उन्होंने किसी और को रेंट में दे दिया है. और अचानक से यहाँ पे उनकी बस्ती तोड़ने के बाद अब वो बेघर हो गए. अब वो उस माहुल गांव के एरिया में नहीं जा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी रेंट पे है और उसका एग्रीमेंट होता है कि इतने इतने समय तक हम किसी को निकाल नहीं सकते. अब ये लोग, कुछ भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये लोग वहीं पे रह रहे हैं, उसी रोड पे रह रहे हैं. आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं उसी रोड पे आया हूँ, पाइपलाइन रोड. तो देख सकते हैं आप पूरे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फुटपाथ पे ये लोग रह रहे हैं. ये तो सिर्फ शुरुआत है. आगे देखो, ये जो बस्ती है ये पूरी बस्ती तोड़ दी गई है इनकी. और ये लोग जो है उस बस्ती के ऊपर रह रहे हैं या फिर साइड में रह रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो जब भी ये एक्चुअली ये जो रूट है ये मेरा रोज़ का ऑफिस जाने का रूट है और मैं रोज़ यहाँ से चल के जाता हूँ. और जब भी जाता हूँ ये बच्चे दिखते हैं मुझे बाहर स्नान करते वक्त, तो मुझे बहुत दर्द होता है अंदर से कि इनकी ये परिस्थिति आ गई है. तो मैं इस पर गवर्नमेंट का हाथ नहीं बोलना चाहता कि ये बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन उनके गवर्नमेंट के हिसाब से भी ये बराबर है. उनको माहुल गांव में घर दिए गए हैं, लेकिन तो भी एक काइंड ऑफ इमोशंस रहते हैं अपने पुराने घरों के साथ. ये देखो पूरी की पूरी बस्ती यहाँ पे, आधे रोड पे ये लोग रह रहे हैं पूरे. और इसके वजह से लोकल लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है. इसकी वजह से यहाँ पे जो लोग आते जाते चलते रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है. इसकी वजह से पूरा सामान इन्होंने रस्ते पे आके रख दिया है. और ये कोई 5-10 लोगों का घर नहीं है, ये पूरे 1.3 किलोमीटर रस्ते पे पूरा ये फैला गया है. 1.3 किलोमीटर, मोर देन 10,000 पीपल तो आराम से यहाँ पे रह रहे होंगे. मैं फिर से ये रोड से नहीं जाना चाहता बिकॉज जब भी जाता हूँ मुझे बहुत अंदर से दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है. बच्चों को वहाँ पे रास्ते पे स्नान करते वक्त देखता हूँ या औरतों को वहाँ पे देखता हूँ रस्तों पे सोते हुए, तो मुझे बहुत बहुत दर्द होता है.
तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या परिस्थिति है। हमें ऐसा लगता है कि हम ही बहुत ही बड़े तकलीफ़ में है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तकलीफ़ में। अचानक से उनका घर टूट जाना और रास्ते पे आ जाना, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ और किसको होगी। एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन एक दिन सड़क पे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और आज डेट है 27th में, और कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है, तो सोचो उनकी तकलीफ़ और कितने बढ़ने वाली है। तो मैं सिर्फ इतना ही लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे साइड से मैं कोई अमीर बंदा नहीं हूँ कि मैं जाके उनको घर दे दूँ या कुछ खाना बांट दूँ। खाना तो उनको मिल जाता है, लेकिन घर दे दूँ ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे को नहीं हो पाता है ये हेल्प करने को, लेकिन मैं एटलीस्ट एक वीडियो बना सकता हूँ उन लोगों के लिए जिनके माध्यम से जिनको मदद करना है वो उनको मदद कर सकते हैं। So that's all folks, that's from my side and hope you like this video. मैं ये नहीं कहना चाहता because ये this is the sad reality of our India. ये तो सिर्फ एक जगह की बात हो गई, ऐसे बहुत सारे जगह हैं इंडिया में। तो मैं बस एक वीडियो बनाना चाहता था। Do subscribe to Omish Time Travel. Bye bye, see you.